हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी टेक गुरु जो लाती हूं टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक योर लाइफ सिंपलर एंड इजीियर। वी नीड Zoom सो मच मोर ताकि हम अपनी फैमिली से कनेक्ट कर सके, साथ में प्रे कर सके, साथ में सेलिब्रेट कर सके। बट एक चैलेंज ये होता है कि हम ये मीटिंग्स एडमिनिस्टर कैसे करें, फॉर एग्जाम्पल स्केड्यूल कैसे करें, शेयर कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें, क्या सेटिंग्स है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। तो आज हम क्विकली डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं, और विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Zoom डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन, तो अगर आपके पास वेब वाला है तो उससे काम नहीं होगा। तो आप zoom.us पे जाएंगे और उसके बाद ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो वो मुझे पूछेगा नहीं, है ना। नहीं तो आप Zoom ऐप डाउनलोड ऐसे डाल सकते हो, ऐप डाउनलोड, है ना, और फिर इसके बाद डाउनलोड सेंटर पे ले जाएगा और आप यहाँ से Zoom डाउनलोड कर सकते हो, है ना। उसके बाद आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट मतलब एक यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर नहीं है तो फिर यहाँ साइन अप इट्स फ्री पे जाके एक अकाउंट बना लेना, और अगर है तो फिर आप यहाँ साइन इन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ Zoom पहले डाउनलोड कर लो, उसके बाद जब आप Zoom से डाउनलोड करेंगे तो अभी मेरा लॉग्ड इन है, मैं लॉग आउट करूँगी, तो आपको यहाँ ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद इसमें आप साइन इन कर लेंगे। उसके बाद अब पहले स्टार्ट करते हैं मीटिंग को क्रिएट कैसे कर, है ना। अब ये पेड वर्जन नहीं है तो आप 40 मिनट्स की ही मीटिंग बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, होम पे क्लिक करना है, स्केड्यूल पे जाना है और यहाँ आप मीट। अब जैसे हमने 40 मिनट्स की दो मीटिंग्स बना ली है ना, तो हम आज के लिए जैसे 3 PM का बना रहे हैं, आप 3:40 की ही बना पाएंगे। आप 3:04 की भी बनाएंगे तो आपको अलर्ट आ जाएगा, जैसे आप ये करेंगे तो ये देखिए अलर्ट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3:40 की रखेंगे मीटिंग को, तो 40 मिनट की ये हो गई। अब थोड़ा सेटिंग्स की बात करते हैं। पासवर्ड हमेशा कुछ इजी रख सकते हो, है ना, लाइक मीट, है ना, मीट मी ऐसा कुछ करके। और अगर आप कोई ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिसमें आप स्क्रीन शेयर वगैरह कर रहे हो तो ये वेटिंग रूम को ऑफ कर दो। इससे क्या होता है कि कोई भी आ जा सकता है आपके रूम में, है ना। जैसे आपने बहुत सारे इनवाइट भेज दिए, आपको नहीं पता कौन आने वाला है। वेटिंग रूम आप तब यूज़ करते हो जब आपको चूज़ करना है कि कौन आएगा मेरी मीटिंग में, है ना। तो ये आप एक कर दो। फिर एक एडवांस्ड ऑप्शन होते हैं, एक ये म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, एक टिंग 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 आवाज़ आती है अगर आप ये ऑन नहीं करते हो। अभी आपने ऑन कर लिया तो ये भी नहीं आएगा, है ना। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू जॉइन एट एनी टाइम, मतलब जब भी कोई भी, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग टाइम पे ही ज्वाइन करना है, तो ये भी आप टिक करोगे। अगर आपको मीटिंग रिकॉर्ड करनी है तो ये टिक करो, नहीं तो ज़रूरी नहीं। और ये अगेन रेगुलेटरी ऑफिसेस के लिए होता है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो ये बस इतना ही आपको करना है और ये आप इसको ऐसे सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद ये यहाँ कुछ खोल देगा, आप उसको चिंता नहीं करनी, आप उसको छोड़ दो, उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप वापस अपनी Zoom पे आइए। अगर आप यहाँ मीटिंग्स, तुमने होम देखा, चैट देखा, अब मीटिंग्स देखी। अभी आप देख सकते हैं जब हमने मीटिंग शेड्यूल करी है यहाँ आ गई, लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया था हमें दो मीटिंग्स चाहिए तो हम दूसरी भी बनाएंगे। तो हम पहले दूसरी बना लेते हैं, फिर से शेड्यूल पे जाएंगे। और अभी हमारी मीटिंग तो कितने बजे ख़त्म हो रही है, और फर्स्ट मीटिंग कितने बजे ख़त्म हो रही है, 3:40 पे ख़त्म हो रही है। तो उसके बाद का हम लोग और 20 मिनट ले लेंगे 4:20 का, है ना। और सेम सेटिंग्स करेंगे, ये पासवर्ड चेंज कर देंगे ताकि किसी को टाइप, वैसे अगर आप इनविटेशन लिंक कॉपी करेंगे तो पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी जस्ट बी ऑन द सेफर साइड ईजी पासवर्ड रखते हैं। और ये दोनों सेटिंग करके मैं सेव कर दूँ, क्योंकि फिर से ये वाला लिंक हो जाएगा, इसको आप बंद कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसको, आप इसको बंद कर दें। अब वापस हम अपनी Zoom ऐप पे क्लिक करेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे, वापस से मीटिंग्स पे जाएंगे। आप देख सकते हैं दो मीटिंग आ गई, तो जब भी आप शेयर करें तो दोनों ही शेयर कर दें और पहले ही बता दें कि आपका मीटिंग ये ख़त्म हो जाएगी। आप इसको कैसे कॉपी कर सकते हैं, आप यहाँ कॉपी इनविटेशन पे क्लिक करोगे और जैसे मैं एक न्यू नोटपैड अगर खोल के आपको दिखाऊं कि इसने क्या कॉपी किया, पेस्ट कर दो तो ये आपकी पूरी मीटिंग इनवाइट कॉपी कर देता है, है ना। और फिर इसके बाद जैसे मीटिंग टू पे भी जाके सेम करूँगी, कॉपी इनविटेशन होगा, ये देखो एक मैसेज आ जाता है कॉपी टू क्लिप बोर्ड, पर मैं यहाँ पेस्ट कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आ गए हैं, दोनों मीटिंग्स के लिंक्स आ गए। ये लिंक्स अलग अलग हैं और ये यूज़ नहीं होते 40 मिनट के बाद, है ना। तो आप उनको फिर बोल सकते हो प्लीज़ ज्वाइन द मीटिंग्स, ऐसे एक साथ में एक मैसेज भेज सकते हो, प्लीज़ ज्वाइन द मीटिंग 1
एंड आफ्टर इट एक्सपायर्स प्लीज ज्वाइन मीटिंग टू, राइट। और अपने मीट वन मीट टू का डिटेल्स दे दिया, इतना ही आपको करना है। अब इसको शेयर करने के लिए क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप किसी को ये मेल कर सकते हो, फिर वो मेल अपने फ़ोन पे भेज सकते हो। यहाँ से जैसे आप जीमेल खोल के अपने आप को जीमेल कर सकते हो, और वही मेल आप अपने फ़ोन में खोल सकते हो, फिर वहाँ से कॉपी करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हो या मैसेज में भेज सकते हो। दूसरा तरीका है वेब व्हाट्सएप का। अगर आप वेब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप वेब व्हाट्सएप में ही जाके यहाँ से आप इसमें जाके अपने आप को सेंड कर सकते हो। तो इसी में जाके मैसेजेस में जाके अपने आप को सेंड कर सकते हो। अब चलते हैं, मीटिंग स्केड्यूल हो गई है ना, अब स्टार्ट कैसे करते हैं। आप यहाँ जाके 3 बजे इसको बस स्टार्ट कर दें और यहाँ मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और जॉइन विद कंप्यूटर ऑडियो और सब कुछ आप वैसे ही करेंगे जैसे आप नॉर्मली करते हैं। तो मैं यहाँ जॉइन विद ऑडियो करूँगी और मैं यहाँ अपना वीडियो भी स्टार्ट कर दूँगी, तो ऐसे ये यहाँ आपको दिखेगा। अब चलते हैं सेटिंग्स की तरफ। पार्टिसिपेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप जैसे बहुत सारा शोर हो रहा है और आपको लोगों को म्यूट करना है, तो आप ये म्यूट ऑल वाला बटन यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद दूसरी चीज़ है, अगर चलते चलते मैं आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जैसे अभी आपको याद आया कि कोई है जिसको आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उस केस में आप यहाँ इनवाइट पे क्लिक करेंगे और कॉपी इनवाइट लिंक और कॉपी इनविटेशन दोनों चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। तो आप इसको क्लिक करके फिर वैसे ही कॉपी जैसे कॉपी इनवाइट लिंक करके आप इसको, जैसे मैं पेस्ट करके दिखाती हूँ कि क्या दिखता है इसमें, इसमें बस लिंक आता है। और अगर आपको ऐसा ही इनवाइट चाहिए पूरा का पूरा, तो आप इस पे जाके इनवाइट पे क्लिक करेंगे और पूरा कॉपी इनविटेशन करते हैं। जैसे आप कॉपी इनविटेशन करते हैं तो यहाँ आके आप देखेंगे पूरा पूरा जैसे इनवाइट ने ऊपर किया सेम टू सेम आ जाएगा, है ना। सो दैट्स हाउ इट इज़, ये पूरा इनवाइट लिंक आ जाएगा उसके अंदर कि जूम पर मीटिंग क्या है, मीटिंग आईडी क्या है और वो क्या है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम यहाँ पार्टिसिपेंट्स पे जाते हैं, अब मीटिंग चल रही है, तो आप यहाँ मोर पे जाएंगे और इसके अंदर ये 3 ऑप्शंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। स्टार्ट वीडियो, ताकि लोग खुद अपना स्टार्ट कर सकते हैं फॉर पार्टिसिपेंट्स, है ना। रीनेम, अगर किसी को अपना नाम चेंज करने की आप परमिशन दे रहे हैं। तीसरा अनम्यूट देमसेल्व्स, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप कोई ऐसा मीटिंग का कंटेंट चला रहे हैं जिसमें आप नहीं चाहते कि कोई अपने आप को अनम्यूट करे, तो आप इसको अनचेक कर दें, क्योंकि ये कहता है अनम्यूट देमसेल्व्स। तो अगर आप इसको टिक करते हैं तो लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जैसे आप कोई मीटिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हो, आप चाहते जो लोग नए नए आए हैं वो कन्फ्यूज ना हो, या ऑटोमेटिकली अंदर आते साथ उनके घरों की आवाज़ ना आ रही हो, आप इसको अनम्यूट ही रख सकते हो। लेकिन जब आप चाहें कि अच्छा चलो अब हम बात कर सकते हैं, हमारा मेजर मीटिंग हो गया एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्पीक अप, दैट्स वेन यू विल गो हियर अनम्यूट सेल्फ के साथ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लॉक मीटिंग। अगर आपको चाहिए कि अब मीटिंग मेरी ऐसी जगह पे आ गई कि मैं और लोगों को नहीं आना चाहता हूँ, तो आप ये लॉक मीटिंग पे क्लिक कर सकते हो। अब कभी कभी मीटिंग करते करते भी आपको रियलाइज़ होता है कि अब मैं जिनको एक्सपेक्ट कर रहा था वो आ गए हैं, अब मुझे वेटिंग रूम इनेबल करना है, लेट मी चूज़ हु आई शुड डू इट। तो आप मीटिंग चलते चलते भी इनेबल वेटिंग रूम कर सकते हैं और अपने सेटिंग्स को ओवरराइड कर सकते हैं। अब चलते हैं, और इम्पोर्टेंट तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशंस की बात है। अब चलते हैं स्क्रीन शेयर की तरफ। अब हम स्क्रीन शेयर कैसे कर सकते हैं। अब स्क्रीन शेयर करके 2 ऑप्शंस है। कभी कभी हमें बस अपने गाने चलाने होते हैं कि सबकी वेट कर रहे हैं, हमें कोई अपने स्क्रीन पे कुछ दिखाना नहीं है, तो उस केस में आप ये एडवांस्ड में जाएंगे और ये कंप्यूटर ऑडियो सेलेक्ट करेंगे। अब क्या होगा, जो आप अगर अपना ऑफ भी कर देंगे वीडियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपकी कंप्यूटर की आवाज़ है वही जाएगी बस, है ना। फिर एक ऑप्शन होता है कंटेंट फ्रॉम सेकंड कैमरा। अगर आपकी कोई कैमरा है, आप उस कैमरा से, ये वाला कैमरा नहीं जो आप यूज़ करें, कोई आपने अलग लगाया हुआ है वहाँ से अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। पोर्शन ऑफ द स्क्रीन, आप सब कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहते हैं। वीडियो, अगर कोई वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, है ना। और दूसरा होता है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, वो है स्क्रीन। जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं, और स्पेशली जब आप कुछ ऐसा शेयर करना चाह रहे हैं जिसमें आप ऑडियो भी, जैसे हम लोग आजकल साथ में प्रे करते हैं या कुछ करते हैं, तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो यूज़ कर सकते हैं,
लेकिन आपको ये वाला जो बटन है ये बहुत ज़रूरी है क्लिक करना, ताकि जो आवाज़ है, अब जैसे ये आप क्लिक करते हैं जो जो आपके जैसे YouTube पे प्ले हो रहा है डायरेक्टली वो ही आपका आगे जाएगा सबको मीटिंग में। अगर आप ये नहीं चेक करते हैं तो आपके माइक से आवाज़ जाती है, विच ऑल्सो टेल्स यू कि अगर आप ये शेयर साउंड करो और अपने आप को म्यूट कर लो तो आप बेझिझक जो भी बातें कर रहे हैं आप आराम से कर सकते हैं, और फिर भी आपकी सारी जो कंटेंट आप यूट्यूब से प्ले कर रहे हैं या अपने वीडियोस से प्ले कर रहे हैं वो फिर भी आगे चले जाएगा आपके यूज़र्स के पास, और आपकी जो घर में बातें चल रही हैं कुछ चल रहा है शोर हो रहा है वो नहीं जाएगा। इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है। और अगर ये नहीं होता तो आपके जो अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि मैंने ये किया हुआ है और अनम्यूट किया हुआ है तो क्या होगा, बस जो मेरे स्क्रीन पे चल रहा है वो दिख रहा है लेकिन आवाज़ नहीं जाएगी कोई, क्योंकि मेरा माइक तो ऑफ है जिससे एक्चुअली माइक जानी थी। तो आपने क्या करना है, डेस्कटॉप चेक करना है और शेयर साउंड करके फिर आपने शेयर करना है। अब चलते हैं कैसे शेयर करना है। तो अभी क्या शेयर करना है, तो आप जैसे यहाँ जाएंगे, आप जैसे यूट्यूब पे जाएंगे, मैं ये अपना टेक बहू का ये चैनल खोल रही हूँ, आप इस चैनल पे जाएंगे और जो भी आप वीडियो प्ले करना चाहते हैं आप वो वीडियो फटाफट से प्ले कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो प्ले कर दूँ मैं, तो ये पूरा का पूरा वीडियो यहाँ प्ले हो जाएगा आराम से, और अपना वॉल्यूम भी रेगुलेट कर सकते हैं ताकि आपके क्लाइंट्स को कैसे वॉल्यूम चाहिए वो सारा का सारा यहाँ आपके पास आ जाएगा, सारा सीन कैसे चल रहा है पूरा का वीडियो एज इट इज प्ले होगा। वीडियोस के लिए मैं जनरली सजेस्ट करती हूँ आप इसको फुल स्क्रीन करके यूज करें ताकि जो आपके आगे वाले लोग देख रहे हैं उनको सारी अच्छी सी चीज़ें दिख जाए, है ना, और वॉल्यूम यहाँ से कंट्रोल हो सकता है। और फिर यहाँ से एस्केप प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा स्क्रीन वापस ऑन योर बैक टू नॉर्मल और आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। अब आपका काम खत्म हो गया है, अब आप स्टॉप शेयर करना चाहते हैं तो ये जो स्टॉप शेयर का बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं आप वापस स्क्रीन पे वापस आ गए हैं, है ना। और अभी जो आप बोलेंगे वो साउंड नहीं जाएगी, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा ताकि आपकी साउंड आगे जाए। सो दैट्स इट, दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। और लास्ट चीज़ है, अगर आपकी मीटिंग टाइम से पहले ख़त्म हो जाए और आप चाहते हैं कि सब चले जाए लेकिन लोग नहीं जाते हैं बहुत बारी, तो आपको ये एंड मीटिंग ऑप्शन करके लीव मीटिंग में, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको मीटिंग एंड नहीं करना है, जो लोग बातें कर रहे हैं आप करना चाहते हैं, आप कीजिए मैं जा रही हूँ, तो आप ये लीव मीटिंग कर देंगे तो जब मीटिंग एक्सपायर हो जाएगी तब मीटिंग एक्सपायर हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे पेड अकाउंट्स होते हैं तो उसमें मीटिंग फिर एंड ही नहीं होती, तो उसमें आपको एंड मीटिंग फॉर ऑल करना था, एंड मीटिंग फॉर ऑल करेंगे एंड देन यू आर डन। और सेम चीज आपको अपनी सेकंड मीटिंग के ऊपर करना। सो आई होप दैट वाज यूजफुल। दैट्स इट गाइस, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपके कोई और कंसर्न्स है या कोई सिचुएशन है जो आप मैनेज करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आ सकती है तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच अमेजिंग वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर टेक गुरु साइनिंग ऑफ।